हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माँ की रसोई। आज मेरी माँ बनाने जा रही हैं आलू और कटहल की मसालेदार सब्जी। इसे बनाने के लिए माँ ने सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रख लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधा किलो कटहल है जिसे माँ ने काट लिया है, आधा किलो आलू है इसे भी माँ ने काट लिया है, दो टमाटर, हरी धनिया, तेज पत्ता, हरी मिर्च और पचफोरन। पचफोरन में और ये इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले के लिए। इसमें आप देख सकते हैं सूखी लाल मिर्च, लहसुन, प्याज और मयूर मसाला। मयूर मसाला में एक पैकेट हमने लिया है, इसमें सारे गरम मसाले होते हैं। मसाले के लिए हमने यहाँ पे चार प्याज लिए हैं, इसे हमने इतना बड़े पीसेस में काट लिया है। और साथ ही तड़के के लिए हमने दो प्याज लिए हैं जिसे हम लोगों ने बारीक काट के रख लिया है। तो चलिए हम आज कटहल और आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये माँ पीसने के लिए मसाले के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें माँ ने एक चम्मच पीसी हल्दी डाली है। हल्दी पीसी हो या खड़ी, मसाले के साथ हल्दी डालना पीसना जरूरी होता है, आप कंपल्सरी होता है। ये देखिए माँ मसाला पीस के ला चुकी हैं। कटहल की सब्जी आप चाहें तो किसी भी ओकेजन पे इसे ओकेजनली बना सकते हैं। ये बहुत ही फैंसी सब्जी होती है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपके लिए ये ओकेजनली बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाएगी। और अगर आप अच्छे से बनाएं तो ये पनीर को भी पीछे छोड़ देगी। मेरे घर पे तो पनीर से भी ज़्यादा कटहल की सब्जी प्रिफर की जाती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आपको डॉक्टर ने नॉनवेज खाने से मना कर तो आप कटहल की सब्जी को एज अ नॉन वेज अल्टरनेटिव आप बना सकते हैं। बस थोड़ी सी रेसिपी में चेंजेस होगी, थोड़े मसाले को चेंज करना होगा और कटहल ही एक वैसा वेजिटेबल है जो नॉन वेज को भी पीछे छोड़ देगा। तो मैं कहूँगी कि आप लोग और किसी सब्जी के बजाय आप लोग कटहल को बनाएं, कटहल को खाएं। ओकेजनली ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। कटहल की और भी डिशेस होती हैं जैसे कि कटहल का कोफ्ता, कटहल की लटपटाट सब्जी, कटहल की सूखी सब्जी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, उसे भी हम लोग वक्त वक्त पे अपने चैनल पे उसकी भी रेसिपी शेयर करते रहेंगे। माँ कटहल तल के निकाल चुकी हैं, अब वो आलू तल रही हैं। आधे किलो कटहल में माँ ने 250 ग्राम आलू डाला हुआ है। और आप चाहें तो बिना आलू के भी कटहल की सब्जी बना सकते हैं। आज हमारे यहाँ आलू कटहल की सब्जी बन रही है, लेकिन आप बिना आलू की कटहल की सब्जी भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और बिना आलू की कटहल की सब्जी बनती भी है। मेरे यहाँ लोग आलू भी सब्जियों में, हर सब्जी में पसंद करते हैं, इस वजह से हम लोग डाल रहे हैं। आप चाहें तो बिना आलू के या आलू के साथ जैसा आपका मन करे आप बनाएं। अब माँ देखिए हमारे कुकर में तेल गर्म हो गया है। अब सब्जी बनाने के लिए माँ तेल में तड़का डाल दी है। इसमें तेज पत्ता, पचफोरन, हरी मिर्च, लहसुन और ये बारीक कटा हुआ प्याज माँ ने डाला है। कटहल वाले आलू को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि माँ ने कटहल और आलू तल के रख लिए हैं। साथ ही में हमारा तड़का भी फ्राई हो रहा है। अब इसमें माँ मसाला डालेंगी। अब माँ ने जो मसाला पीस के रख लिया था अब माँ उसे इसमें डालेंगी। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भुन गया है बढ़िया। अब इसमें माँ टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसमें माँ थोड़ा सा नमक डाल रही हैं, आधा चम्मच के लगभग। आधा चम्मच नमक माँ अभी डालेंगी और बाकी नमक
सब्जी के साथ बाद में डालेंगे। ये देखिए माने सब्जी को खूब बढ़िया मसाले में मिक्स कर लिया है। अब इसमें माँ आधा चम्मच नमक अभी डाल रही है सब्जी के साथ। टमाटर के साथ नमक डालने से ये होता है कि आपका टमाटर बहुत बढ़िया पक जाता है और टेस्ट मसाले का काफी अच्छा आता है, ये मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया है। माँ इसमें एक कटोरी पानी डालने जा रही है क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा रसदार सब्जी नहीं चाहिए, सूखी सब्जी चाहिए, इस वजह से माँ ने बस इतना पानी डाला है। अब माँ ने सब्जी बंद करके रख दी है 2 सीटी आने तक के लिए। 2 सीटी में हमारी सब्जी बन के तैयार है। देखिए हमारी सब्जी को बढ़िया पक के तैयार हो गई है। अब इसमें माँ हरी धनिया की पत्ती ऊपर से मिक्स कर देंगी और अब ये सब्जी रेडी टू सर्व है। देखिए हमारी सब्जी खूब बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब आप इसे पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, रोटी, चावल जिसके साथ चाहें आप खा सकते हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कटहल की सब्ज़ी कैसी लगी।